उसके बाद है जी डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। डाटा कम्युनिकेशन जो है वो हमने पढ़ लिया, हम उसको देखते हैं कि डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो क्या चीज़ है। फॉर डाटा कम्युनिकेशन टू अकर कम्युनिकेशन डिवाइस मस्ट बी ए पार्ट ऑफ सिस्टम मेड ऑफ द सम स्पेसिफिक काइंड ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। कहता है जो डाटा कम्युनिकेशन जो है वो कब जो है वो डिवाइसों के दरमियान जो है वो बनती है या होती है, कि इसमें जो है वो क्या स्पेसिफिक काइंड ऑफ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर। कहता है कि ये जो जब आपका डाटा एक जगह से दूसरे का जो है वो ट्रांसफ़र होता है या एक्सचेंज होता है, तो इसमें जो है वो कुछ हार्डवेयर और कुछ सॉफ्टवेयर जो को इस्तेमाल करके आपके डाटे को एक जगह से दूसरी जगह जो है वो ट्रांसफ़र किया जाता है। ठीक है जी, तो इस पूरे सिस्टम को कि जिसमें डाटा हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है, इसमें जो है कुछ हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को हम इस्तेमाल करते हैं जिसके ज़रिए डाटा हमारा एक जगह से दूसरी जगह जाता है। तो ये पूरा जो सिस्टम है उसको हम बोलते हैं डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, कि जिसमें डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो कैसे जाता है और किन हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर के थ्रू के ज़रिए जाता है, वो पूरा प्रोसेस उसको हम बोलते हैं डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। ठीक है जी, तो ये सारी जो है वो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम की जो है वो डेफिनेशन है या उसकी जो है मतलब इन्फॉर्मेशन है। अच्छा, अब हमने जो है वो सीख लिया जो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम क्या होता है। इसमें जो हमने आपको जो है वो बताया है कि दो कंप्यूटर होते हैं, इसमें जो डिवाइसेज जो हैं वो लगी होती हैं और किसी मीडियम के थ्रू जो है वो डाटा जो है वो एक जगह से दूसरी जगह जाता है, और डाटा को एक जगह से दूसरी जगह भेजने के लिए कुछ हार्डवेयर और कुछ सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है। ठीक है जी, अब ये तो हमारा समझने के सिस्टम जो है वो हार्डवेयर सॉफ्टवेयर सारी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं। अब हम देखना ये चाहते हैं कि डाटा कब हमारा जो कब इफ़ेक्टिव होगा या कब जो है वो सबसे बेहतर होगा, या किस जो है वो सिस्टम को हम कह सकते हैं कि ये जो है वो बेहतर जो है वो एक डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम है। ठीक है जी, इफ़ेक्टिव है जो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम, ज़ाहिर इफ़ेक्टिव वही डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम होगा कि जिसमें प्रॉपर आपका जो डाटा है वो एक जगह से दूसरी जगह जो है वो जाएगा। ठीक है ना, तो जिसमें कोई रुकावट आएगी तो वो बेहतर या इफ़ेक्टिव जो है वो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। ठीक है जी, अब देखते हैं कि इफेक्टिव जो है वो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम वो क्या होता है। तो इफेक्टिवनेस डिपेंड अपॉन द थ्री फंडामेंटल करेक्टिक्स। कहता है कि अगर आप चाहते हैं कि आपका जो है वो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो इफेक्टिव हो, तो उसके लिए जो है ये तीन जो है वो खसूसियात हैं वो उसमें होनी चाहिए। अगर ये किसी भी डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम में अगर ये तीन खसूसियात जो है वो मौजूद हैं और प्रॉपर जो है वो काम कर रही हैं, तो आप समझ सकते हैं कि आपका जो कम्युनिकेशन सिस्टम है या डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम है वो बहुत अच्छा है और बेहतर है। ठीक है जी, तो अब इसको हम देखते हैं सबसे पहले जो है वो पहले नंबर पर जो है वो क्या है। सबसे पहले है जी डिलीवरी। डिलीवरी से ये मरा था कि अगर आप जो है वो डाटा एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डाटे को जो है वो भेजना चाहते हैं, अगर भेजते हैं और वो डाटा ही वहाँ पे नहीं पहुँचा या डिलीवर नहीं हुआ, तो इसका मतलब है कि आपका डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम जो है प्रॉपर वर्क नहीं कर रहा। तो इफेक्टिव जो है वो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम वही होता है कि जिसमें जो आप डाटा भेज रहे हैं वो अगले बंदे तक भी जो है वो डाटा पहुँचे। सबसे पहले क्या है डिलीवरी, कि आपका जो डाटा है वो एक जगह से या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर तक जो है वो पहुँचना चाहिए। ठीक है ना, पहली इसकी खसूसियत ये है। अगर यही खसूसियत आपके जो है डाटा कम्युनिकेशन में मौजूद नहीं है या आपका डाटा दूसरे एक सिस्टम से दूसरे सिस्टम में डिलीवर नहीं हो रहा, तो समझ लें कि वो आपका जो है वो कम्युनिकेशन सिस्टम जो है वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा। सबसे पहले शर्त है जो डिलीवरी आपकी जो है वो होनी चाहिए। दूसरे नंबर पे है जो एक्यूरेसी, दूसरे नंबर पे आ जाता है एक्यूरेसी से क्या मतलब है कि दुरुस्तगी, कि आपने जो डाटा भेजा है क्या वही डाटा पहुँचा अगले कंप्यूटर के पास के नहीं। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कोई डाटा है, कोई इन्फॉर्मेशन है, कोई लेटर है, वही एक कंप्यूटर से मैंने दूसरे कंप्यूटर को जो है वो भेजा है और अगले कंप्यूटर के पास वो डाटा गया ही नहीं जो मैंने भेजा है या गलत चला गया है, तो फिर भी जो है वो आपका जो है वो एक इफेक्टिव जो है वो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। तो वही इफेक्टिव जो है वो डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम होगा कि जिसमें जो आप जो चीज़ भेज रहे हैं वो दुरुस्त ही अगले के पास जाएगी। ये नहीं है कि अगर मैंने को डाटा भेजा है तो कुछ जो है वो दुरुस्त चला गया और कुछ गलत चला गया है, तो वो भी जो है वो एक इफेक्टिव जो है डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम नहीं है। वही जहाँ कम्युनिकेशन सिस्टम जो है इफेक्टिव होगा कि जिसमें आप डिलीवरी के साथ साथ आपका जो डाटा है वो भी दुरुस्त जो है वो अगले कंप्यूटर के पास जाए। ठीक हो गया, उसके बाद जो तीसरी हमारी टाइमलाइन, तीसरी हमारी खूबसूरत क्या है टाइमलाइन। टाइमलाइन से ये मराद है कि जो डाटा हमने भेजना है वो भी अगले बंदे के पास टाइम पे पहुँचे। ये नहीं कि जो मैंने डाटा आज भेजा है तो वो घंटे को जो है वो घंटे को जाए या जो है वो 10 मिनट को जाए, तो ये भी एक बड़ी एक अहम खसूसियात है कि जो आप डाटा जो है वो भेज रहे हैं एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर के पास, तो वो जो है वो टाइमली जो है उसको पहुंचे। ठीक है ना, आज है जी कॉन्सेप्ट ऑफ सिंपल डाटा कम्युनिकेशन सिस्टम। क्या आपको समझाने के लिए जो है वो एक डायग्राम जो है वो दिखाई गई है कि कैसे जो है वो एक सिस्टम से या एक कंप्यूटर से जो डाटा है दूसरे कंप्यूटर के पास जो है वो जाता है।
फॉर एग्जाम्पल ये देखें, एक साइड पे जो है वो एक कंप्यूटर सेंटर है, अगली साइड पे जो है वो रिसीवर है, और बीच में जो है वो ट्रांसमिशन मीडियम है, और ऊपर जो है वो मैसेज है, ठीक है ना। तो ये आपका समझने कि ये कंप्यूटर नंबर वन है सेंटर, और यहाँ से कुछ डाटा जो है या मैसेज जो है वो आपका एक जगह से जो है या एक कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर को जो है वो जा रहा है। तो ये वायर नीचे आपको जो लाइन नज़र आ रही है ये मीडियम है, ये समझ लो वायर के थ्रू आपका जो है एक कंप्यूटर या सेंटर जो है वो रिसीवर के साथ जो है कनेक्ट है, और वो ऊपर जो है आपका मैसेज या डाटा जो है वो ए सेंटर से रिसीवर की तरफ या ए कंप्यूटर से बी कंप्यूटर की तरफ जो है वो जा रहा है। तो ये था आज का हमारा लेक्चर। तो उम्मीद है जो आपको जो है वो जो लेक्चर है उसकी जो है वो समझ आ गई होगी।